अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं मोहम्मद कदीर मंजूर आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमत और शफकत के साथ। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। आज का जो व्लॉग है ना जी, वो हम आए थे इधर खेतों में, तो खेत विजिट करने आए हुए हैं हम, तो आपको भी करवाते हैं। देखें जी ये जो विलेज की ब्यूटी है, खेतों का जो नज़ारा है, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। दिखाएं यार, दिखाएं इधर, दिखाएं आप, ये देखें जी हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। आप भी देखें और लुत्फ़अंदोज़ हों। चलो देखते हैं जी क्या क्या है यहाँ। आ जाएँ जी, आ जाएँ, आ जाएँ, देखते हैं। तो जनाब ये है बेरी, आ जाएँ, आ जाएँ। ये जनाब ये देखें, ये देखें, ये बेर है और बेर पक चुके हैं। ये आपको एक और दिखाता हूँ, ये देखें, ये दिखाएं, ये बेर हैं और ये पक चुके हैं। लाइए मैं इनका टेस्ट चेक करके बताता हूँ कैसे हैं ये। आप चेक करें कैसे हैं ये, मैं और उतारता हूँ। ये तो बहुत मीठे हैं, मीठे हैं, अच्छे वाले। चलो मैं भी खा के देखता हूँ, आप ही चेक करें। ये चेक करें ऊपर से कितने पक चुके हैं, और ये बहुत ही लजीज हैं। पक चुके हैं, खा के चेक करते हैं। ये मेरे को हाथ में था, माशाल्लाह जी बहुत लजीज टेस्ट है, मीठे हैं ये। और ये साइड पे हमारे सड़क और काफ़ी टेस्टी हैं, वो साइड पे सड़क ये देखें हमारे पे बेर ही बेर, और काफ़ी मीठे भी हैं माशाल्लाह से। और ये देखें जी, ये बरसन कहते हैं जी, जी इसका चारा कहते हैं, ये जानवरों के चारे के तौर पर काम आता है। ये देखें ये बरसन है, क्रीप करो यार, क्रीप करो। ये देखें, ये देखें जी, ये बिल्कुल हरा भरा है अभी। और दूसरी बेर की तरफ, और ये देखें ये गंदम, इधर आ जाओ यार, आ जाओ इधर, इधर दिखाओ पहले। ये जी लहसुन है, इस तरफ लगा हुआ है, ये तैयार हो चुका है, और ये तैयार हो चुका है। और उस साइड पे सड़क है, आप देख सकते हैं। और ये देखे हैं मेहरान गाड़ी गुजर रही है, और ये रस्का भी चला गया है, इधर आ जाओ यार। ये देख, ये देखें बेर नीचे भी गिरे हुए हैं, कितने लजीज लग रहे हैं दिखने में, काश आप भी हमारे साथ होते। और ये देखें ये दूसरी बेरी है, ये मैं इसका बेर उतारता हूँ, ये मैंने जो उतार लिया बेर, दिखाओ यार। लाइन में चेक करता हूँ आपको, आप क्या कर ले पहले, हम आपके असिस्टेंट हैं, हम पहले चेक करते हैं। ये देखें बेरी चेक करें, कितने लजीज लग रहे हैं ये बेर, ये देखें, ये पक कर तैयार हो गया था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा पक चुका है, खा गया इसको दरमियान में, तो ये हम नहीं खाएंगे क्योंकि ये है खराब। ये देखें माशाल्लाह कितनी बेरी भरी हुई है फल से, ये बहुत ज़्यादा लजीज है, और देखने में ही बहुत ज़्यादा लजीज लग रहे हैं। हम चलते हैं अपने स्टार की तरफ, स्टार आगे आगे जा रहे हैं, स्टार आगे आगे जा रहे हैं, और हम इनके पीछे पीछे। ये देखिए गंदा गंदा, ये दाने इसमें तकरीबन, इसमें चेक करते हैं कि दाने बन चुके हैं या नहीं, हमारे स्टार आपको चेक करवाते हैं। ये दाने बन तो चुके हैं लेकिन अभी कच्चे हैं, कुछ दिनों में ये फसल तैयार हो जाएगी, बिल्कुल दिनों में तकरीबन ये 10 से 15 दिन लग जाएंगे। ये देखें दूसरी साइड पे भी है, तैयार हो जाएंगे ये भी हैं, ये देखें, ये आपको दिखाया था ना जो तूफान आया था उसकी वजह से ये ना गिर गई थी ट्रैक्टर। और ये जो जिनकी ज़मीन है ये वो उधर ट्रैक्टर पर हैं, आप देख सकते हैं उधर, वही वही वो उधर ट्रैक्टर पर हल चला रहे हैं, ज़मीन को तैयार कर रहे हैं वो अगली फसल के लिए। और उधर दिखाओ यार, वो उधर बाग लगा हुआ है, ये देखें किस चीज़ का बाग शेर, वो है ऑरेंज। अच्छा मार्केट हैं जी जी, और इधर लाओ, और हमारे साथ भी जाएं, वो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है हमारे,
ये देखें जी, ये फूल हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह से कितने प्यारे हैं। ये देखें जी, ये माशाल्लाह से फूल हैं। फोकस करो उस पर यार, हमारा फोकस तो आप पर है ना। ये फूल हैं, ये देखें कितना दिलकश नज़ारा, जैसे हम मरी में आ गए हो। दिखाई थी पिछली वीडियो जो है वो तूफान आया था, ये देखें सारी गिर गई है। और ये उस तरफ कमाद है, ये पौधे लगे हुए हैं सारे, दस्त लगे हुए हैं। और ये इधर आ गई है जी, ये है सारी विलेज की ब्यूटी। शतूत आ गए थे, शतूत ही कहते हैं जी जी, शतूतों की छोटी बहन है तकरीबन, या छोटा भाई है या बहन है। ये देखिए हम आपको चेक करवाते हैं, ये भी देखने में बहुत मीठे होते हैं। पता नहीं क्या कहते हैं हम, तो गोले बोलते हैं, गोले गोले कहते हैं जी जी बिल्कुल। और ये अभी कच्ची हैं, ये तकरीबन थोड़ी देर तक पक जाएंगे। ये देखें, ये दिखाओ यार, ये देखें ये बिल्कुल पक चुकी है, ये बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। खानी है, चेक करो, मैं चेक करके बताता हूँ। ये बहुत मीठी है। आगे आ जाओ, आगे और हमारे स्टार के पीछे पीछे जा रहे हैं। ये देखें पानी में भी गिरे हुए हैं, ये चेक करें, ये दिखने में बहुत लजीज लग रहे हैं। इसको कहते हैं पीपल, पीपल वो जो सॉन्ग आया था ना, पीपल पीपल की छांव में बैठे हैं हम तेरा। ये जो बारिश आई थी 4-5 दिन पहले, ये उसका पानी अभी खड़ा हुआ है। ये देखें, ये दरख्त गिर गया है, ये देखें तूफान की वजह से दरख्त भी गिरी है, बिल्कुल टूट चुका है ये। ये क्या है, ये भी वो गली है जी जी बिल्कुल। ये इधर भी पड़ा हुआ है गिरा, और किधर जाएंगे हम लोग, अब आगे बैठे हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे हमारे साथ। हम अपने स्टार को फॉलो करें, ये देखें जानवर के चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है, बरसन है ये, बरसन क्या है, बरसन। चलो आ जाओ, आ जाओ। और ये देखें साइड से काटा जा चुका है, ये देखें, ये पाठे किसने बाटे, आ जाए इधर आ जाए। ये कमाद है जी, इसको कहते हैं बोलते हैं गन्ना, कमाद की फसल जिससे चीनी बनती है, जिससे चीनी बनती है जी, और जो हम अपनी चाय बहुत सारी रोज़मर्रा की अशिया में इस्तेमाल करते हैं। हम आपको पास से दिखाते हैं, मेरे ख्याल में ना ये बीज के लिए रखा हुआ है ना। जी जी बिल्कुल, ये देखें, करो थोड़ा, ये देखें ये बीज के लिए इस्तेमाल होगा गन्ना, ये थोड़ा सा रखा हुआ है, इन्होंने बीज के लिए रखा हुआ है ये। आ जाओ, ये आगे आ जाओ, ये भी इसका रंग भी तकरीबन चेंज हो गया है, ये देखिए ये भी गंदम थोड़े दिन लगेंगे ये फसल तैयार हो जाएगी, वो भी आपको नज़ारा कराते हैं। ये देखें इस फसल में और दूसरी फसल में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये इसलिए क्योंकि ये पहले की है वो बाद की फसल है, ये कुछ दिन पहले बोई गई है और ये कुछ दिन बाद में। ये देखें आप देख सकते हैं, वो देखें सामने एक किसान काम कर रहा है आपके सामने, ये क्या है, कौन है, होगा कोई आपको। ये देखें जी, ये सारी फसल हरी है और ये इसका रंग तकरीबन चेंज हो गया है, नज़र आ रहा है इसमें। जी जी बिल्कुल आ रहा है, और हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं। ये देखें ये खाली फसल, ज़मीन है ये तैयार हो गई है अगली फसल के लिए। ये जो फसल थी ना ये छोटी थी, इसलिए ये तूफान की वजह से ये बच गई है, ये गिरी नहीं है, वो पीछे आपको दिखाया ना वो सारी गिर गई है। और ये किसी की बर्बादी हो गई है, इधर शादी ये जा रही है, बारात जा रही है किसी, अब तो चली भी गई सारी, बाद में बताया आपने फिर। चलो जी चलते हैं फिर। ये देखें, ये भी दिखाओ शेर, ये आपने दिखाया नहीं यार, ये देखें, ये देखें कितनी मजबूत ये थी, और ये तूफान की वजह से इतना खतरनाक तूफान, इतना शदीद तूफान था कि ये देखें बिल्कुल टूट चुकी है, इतना टूट गया दरमियान में से, इतना ये भी एक पीपल था, वो सॉन्ग तो आपने सुना होगा, पीपल की छांव में बैठे थे हम तेरे इंतजार में। आपके इंतजार में बैठे होंगे फिर, मेरा कोई इंतजार करता ही नहीं है, मैं तो करता हूँ रोज, आए और वीडियो बनाया। अच्छा, बस वीडियो बनाने के लिए याद करते हैं आप हमें। काम के लिए। और ये देखें यहाँ से भी गिरी हुई है फसल, ये देखें
ये जो है ना अब तैयार हो जाएगी तकरीबन 10-15 दिन तक, और फिर इसमें लगाई जाएगी जो थ्रेशर होती है ना वो लगेगी इसमें, और इसको जो तैयार करके जो होती है थैलों में पैक करके इसको बेचा जाएगा। तो पहले इसकी कटाई होगी, जो ज़्यादा गिर गई है वो तो अभी रैपर से कटाई नहीं हो सकती उसकी, ना हार्वेस्टर से हो सकती है, वो तो हाथ से कटाई करेंगे। लेकिन ये हो जाएगी, ये हार्वेस्टर से भी हो जाएगी, रैपर से भी हो जाएगी, और ये अगर हाथ से कटवाना चाहें तो फिर भी हो जाएगी कटाई इसकी। और ये दिखाएं शेर, ये देखिए ये भी तना टूट गया, आप देख सकते हैं हमारे नाज़रीन नज़र में देख सकते हैं कि इसका था और ये तना टूट चुका है। चलो शेर चलो इधर इधर, ये देखें ये भी देखिए, ये देखें यहाँ से गिरी हुई है, गिरी है ये बात तकरीबन वो जो है वो भी नहीं होती, और ये बसन है यहाँ से कटाई की हुई है थोड़ी सी, ये देखिए कितना हरियाली है यहाँ पे। ये जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, जो दूध देते हैं उसके लिए भी है ना जी बिल्कुल। तो जी नाज़रीन ये देखें ये वही है, इधर से भी थोड़ी सी गिरी हुई है, और ये देखें इधर दिखाओ यार, ये तकरीबन उससे ज़्यादा गिर गई है, ये आप देख सकते हैं, ये दरमियान में से भी वो आगे से भी, वो जो अगली है वो तो बिल्कुल ही गिर गई है, वो एक सिमत में नहीं गिरी, मुख्तलिफ सिमत में गिर गई है, गिरी हैं जिससे दुश्वारी होगी कटाई से या हार्वेस्टर में कटाई करने से। और ये दिखाएं इसमें आ जाएं इधर, ये देखें ये देखें ये इधर से भी गिर गई है, वो आगे से भी, इधर से भी, वो अगली ना दिखाएं शेर, वो सारी वो ज़्यादा गिर गई है, दिखाएं वो। चलें नाज़रीन को दिखा देते हैं, ये देखिए कैसे गिरी हुई है। तो जी नाज़रीन ये देखिए, ये आपको बताया था कि ये सारी गिर गई, आप देख सकते हैं नज़ारा, ये दिख रहा है, दिखाई दे रहा है शेर जी, दिख रहे हैं सब नाज़रीन दिख रहे हैं, देखिए ये सारी तकरीबन गिर गई है हमारे नाज़रीन भी। ये एक सिमत में नहीं गिरी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक सिमत में नहीं गिरी, ये मुख्तलिफ सिमतों में गिरी है जिससे और भी ज़्यादा दुश्वारी होगी इसे कटाई करने में। तो ये था नज़ारा, ये उधर तक गिर गई सारी, ये देखें सारी सारी गिरी हुई है, इतना शदीद तूफान था। आ जाओ बंद कर दो। सो जी नाज़रीन ये देखें जी, ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल बोलते हैं इससे, ट्यूबवेल जिसके साथ पानी लगाते हैं खेतों को, और ये जो है गड्ढा जिसे हम पंजाबी में खूह बोलते हैं, ये देखें जी कितना गहरा है, ये पानी भी उधर खड़ा हुआ है, इसमें जो बारिश आई थी उसका पानी खड़ा हुआ उधर, और ये जब चलाना होता है इन्होंने ये ट्रैक्टर लेकर आते हैं इधर, ये जो आप पुली देख रहे हैं इधर लगी हुई है, इसके साथ वो बेल्ट अटैच करते हैं और ट्रैक्टर को चलाते हैं। ये देखें जी ये नज़ारा, ये देखें इधर भी खेत हैं, इधर भी गंदम का कलर जो है वो चेंज हो गया है, इधर मकई लगाई हुई है जो अभी छोटी छोटी है, ये इतनी बड़ी नहीं है, जो इससे परे है वो आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा बड़ी है मकई। तो इधर भी ये देखें जी ये गिरी पड़ी है थोड़ी सी, तो तूफान की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत शदीद था तूफान। ये देखें जी नज़ारा, वो सामने मस्जिद है और ये सड़क जा रही है कच्ची दरमियान में से, और साथ में जो है वो साइडों पे हरियाली ही हरियाली है, और ये देखें जी पानी लगाया हुआ इसको मकई को, जी आप देख सकते हैं नज़र आ रहा होगा ये पानी लगाया हुआ है जनाब, जनाब जी आगे जा। सो जी नाज़रीन ये आलू पड़े हुए हैं इधर, ये आलू पड़े हुए हैं जनाब इधर, ये देखें जी ये आप देख सकते हैं जी ये आलू हैं, ये देखें ये आलू इसके नीचे पड़े हुए हैं, ये सारे आलू हैं तकरीबन, ये ढेर लगा हुआ था जो कि अब काफ़ी ढेर लगा हुआ था इधर, श्वेत बता रहे हैं, और इधर से उठा लिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा उठा लिए गए हैं बोरियों में पैक करके, तो वो बेच देते हैं मंडी में। ये देखें इधर गिरा पड़ा है आलू, ये देखें ये देखें जी माशाल्लाह जी, श्वेत कह रहे हैं कि आज तक आजकल जो आलूओं का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है पोटैटोज़ का,
चिप्स वगैरह, आलू यूज़ होते हैं, समोसे, चिप्स, टिक्कियाँ, पकौड़े सब में यूज़ हो जाते हैं। और आलू तो सरकारी सब्ज़ी है जो हर सब्जी सब्जी के साथ मिक्स हो जाती है। ये देखें जी, ये और एक ट्यूबवेल आ गया है, ट्यूबवेल आ गया जी। ये इसका जो है वो गड्ढा है जिसको खूह बोलते हैं पंजाबी में। और ये दो बोर किया है जी, क्यों? ताकि पानी ज़्यादा आए, ताकि पानी ज़्यादा आए। ये दो बोर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसके दरमियान में से पेट्रोल का खर्चा भी। श्वेत आप तो इंजीनियर हो पूरे यार। जी जी बिल्कुल, आप टूलों का काम शुरू कर दो। सही है ना? ये देखें जी, ट्यूबवेल चला हुआ था, ये ट्यूबवेल चला हुआ था तो इसका पानी इधर जमा हुआ है। इसको बोलते हैं होडी, होडी। और ये इधर से पानी निकलता है जब इसको चलाते हैं, और ये इधर से होकर खाले में से होकर ये चला जाता है इतना साइड पे फिर खेतों की तरफ। और ये सारा हरियाली हरियाली आप देख सकते हैं जी। वो साइड पर कॉलोनी बन रही है इधर, वो देखें जी कटाई हुई है उसकी, वो अब कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। ये देखें ईंटें पड़ी हुई हैं इधर, कंस्ट्रक्शन शुरू होगी फिर उसकी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग, और अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जी, और हंसते रहें, मुस्कराते रहें, और दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई को भी, और हम भी आपके लिए दुआ गए हैं कि अल्लाह ताला सब अपनी रहमत फरमाए। तो बहुत शुक्रिया जी, अगर आपको एक बार फिर से अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।